मंगलवार को महापौर सीताराम जायसवाल की अध्यक्षता में नगर निगम के सभागार में विभाग के आला अधिकारियों और पार्षदों के साथ वार्ड की बैठक संपन्न हुआ। बैठक में पार्षदों ने अपने अपने वार्डों से जुड़ी समस्याओं को महापौर और नगर आयुक्त के समक्ष रखा। कुछ पार्षदों ने नगर आयुक्त पर मनमानी करने का आरोप लगाया, जिससे बैठक में हंगामा खड़ा हो गया और पार्षदों ने फाइलों को हवा में फेंक दिया, जिसकी वजह से बैठक को बीच में ही समाप्त करने का महापौर ने आदेश दे दिया। बैठक में नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश सिंह, नगर निगम के अन्य विभागों के आला अधिकारी और पार्षद मौजूद रहे। बैठक के दौरान कोई अप्रिय घटना न घटे, इसके लिए प्रशासन भी मुस्तैद रहा। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महापौर सीताराम जायसवाल ने कहा, मुख्यमंत्री का आदेश है, जिससे हम अपनी आय भी बढ़ाए वही के मामले में ऋण लेंगे और वही के मामले में खर्च कर सकते हैं। हमें ये सदन को तय करना है, महापौर जी को तय करना है, अधिकारी को तय कर चुके हैं कि हम लोगों का पैसा कहाँ खर्च करेंगे। और हम सारे साथियों से निवेदन करना चाहते हैं कि हम भी किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं, आप भी किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता है, कुछ आजाद उम्मीदवार है जो किसी राजनीतिक दल में बाद में शामिल हो जाएंगे, मगर जब अपनी आपकी स्वयं की राजनीति नहीं बचेगी, आपके अपने क्षेत्र में गरिमा नहीं बचेगी, तो फिर दल का नारा लगाने से कितना राजनीतिक और जनता के बीच में आप श्रेय ले पाएंगे, जनता के दायित्वों को जब करना पूरा कर पाएंगे, ये आपके बीच में सवाल सोना कहता हूँ। शासन को अवगत कराते हुए हम लोगों ने यह पत्र लिख दिया था, जिनमें चीज़ों को आगे सदन में कहा जा रहा था, पत्रों से पत्र लिख करके भी सदन महोदय को अवगत भी करा दिया गया था, लेकिन शासन स्तर पर चाहे जो भी विचार हुआ हो उन लोगों को यह वर्णन किया गया है कि कार्य की आवश्यकता और दुष्ट भूमिका करते हुए नगर आयुक्त द्वारा सरकार के द्वारा उठाए गए पत्रों से अवगत कराए जाने के बावजूद उसको क्यों मार्केट
Yeah.
की बैठक थी, बोर्ड की बैठक में हमारे सभी सम्मानित पार्षद आए हुए थे, एक एक बिंदुओं पर चर्चा थी, जिसमें था सदन की द्वितीय बैठक दिनांक 18/3/18 की कार्यवाही की पुष्टि, ये पुष्टि सर्वसम्मत से कर दी गई। माननीय सदन प्रथम बैठक दिनांक 6/1/2018 को अनुपालन आख्या, इसकी भी पुष्टि कर दी गई। निर्माण विभाग के कार्यों की समीक्षा की गई एवं विचार विमर्श किया गया, जो पार्षदों ने हमारे मुद्दे उठाए उस पर विस्तृत चर्चा की और उसके सभी जवाब हमारे अधिकारियों ने दिए। स्वास्थ्य विभाग के कार्यों की समीक्षा की गई, विमर्श की विचार विमर्श किया गया, इस पर भी जो प्रश्न उठे उसका समाधान किया गया। पथ प्रकाश के लिए हम लोगों ने 8000 लाइटें प्रशासन से मांगी हैं और वो आ जाएगा, तो हम जो भी पॉइंट बचे हुए हैं जो जिस पर पोल पर लाइट नहीं लगी है हम लोग लगवाने का काम करेंगे। कर विभाग के कार्यों में हम लोग समीक्षा कर रहे हैं, जितने भी घर शहर में अभी कर के दायरे में नहीं आए हैं उनका सर्वेक्षण चल रहा है, वो सर्वेक्षण पूरा होने पर हमारे नगर निगम की आय दुगनी हो जाएगी। अन्य कोई विषय नहीं आया उस पर हम लोगों ने कार्रवाई को स्थगित कर दी गई। कुछ पार्षद काम से मतलब नहीं, कुछ लोग व्यवधान उपस्थित करना चाहते हैं, ये अच्छा नहीं है। शहर का विकास करना है, जनता ने उनको चुन कर भेजा है, उनको चाहिए सदन के मर्यादा का ध्यान रखते हुए सदन में अपनी बात को रखें, उसका निस्तारण हमारे अधिकारी लोग करेंगे। इस तरह से नगर निगम पूरी तरह से संकल्पित है, हमारे नगर के निगम के कर्मचारी संकल्पित हैं और हम काम आगे करते रहेंगे। हमको इस बात की परवाह नहीं है कि कोई प्रशंसा करे या कोई शिकायत करे, हम काम करना जानते हैं, काम करेंगे।